एक एम्बुलेंस ही रहें। कितने लोग फंसे हुए? 6 लोग फंसे हुए सर। ठीक है सर, गाड़ियां आ रही हैं, 5 से 7 मिनट में आपके पास गाड़ियां पहुंच जाती हैं। एक रेस्क्यू व्हीकल चांदा किला मूव करवाएंगे। हमने पूरी कोशिश करनी है, हमने लोगों को यहाँ पे जिंदा बचाना है और अपनी फायर फाइटिंग भी करनी है, अपनी पर्सनल सेफ्टी को भी इंश्योर करना है। लिहाजा पार्टी गेट ओवर, शाबाश शाबाश। इनको सेक्टर 4 पे डिप्यूट करें और ये आपको चार्ज सेव करें। भारत रवर 1 2 3 4 पार्टी गट वर्क। हरून सईद, यस सर, टाइम आउट। लगे सिविल साइड पे शायद ये वाहद ऐसा महकमा है कि जिसकी एफिशिएंसी में डे फर्स्ट से लेके आज तक कोई फ़र्क नहीं आया। रिवायत पर आज हमने जब और मैनेजमेंट का वर्क करने के लिए बहुत एक्सरसाइज की है, जिसका मकसद नेचर स्ट्रेस जो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग आवर्स के लिए चलते हैं उनकी इफेक्टिव मैनेजमेंट है और तमाम जो बाकी इदारे हैं जिनकी आपकी जरूरत है उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। प्रिपेयरनेस का एक बेसिक असूल है, कोई भी इमरजेंसी सर्विस जब तक के उसके लिए तैयार नहीं होगी, जब एक्चुअल सानया होगा तो उसमें कभी भी सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। और यही वजह है कि बार बार जब आप मशकें करते हैं उनका मकसद यही है किसी भी बड़ी इमरजेंसी हो या कोई सानया हो उससे बेहतर तरीके से नबरदाजमा हो सके। इसी वजह से रेस्क्यू 112 112 112 एक इमरजेंसी नंबर है और ये रेस्क्यू सर्विस है। इसको जो है जैसे ही
اس نمبر پہ کال آئے، کیونکہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بر وقت کال آئے، اور اگر کوئی بڑا سانحہ ہے تو اس میں انسیڈنٹ کمانڈ مینجمنٹ کو اگر یہ افیکٹولی امپلیمنٹ کریں گے تو یقیناً بہت بہتر انداز سے یہ ایمرجنسیز کو رسپونڈ بھی کر سکتے ہیں اور ان سے بہتر طریقے سے نبردازما بھی ہو سکتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس وسائل موجود ہیں، چاہے وہ ہمارے ریسکیورز ہیں یا جو ہمارے پاس وسائل مٹیریل ہیں کہ گاڑیاں ہیں، اکوپمنٹ ہے، اس کو بار بار چیک کیا جائے اور یقینی بنایا جائے کہ جب ایسا بڑا سانحہ ہو تو اس میں مؤثر انداز سے یہ رسپونڈ کر سکے.